जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। कांग्रेस स्वभाव से ही तुष्टिकरण, गुंडागर्दी, दंगे फसाद, भ्रष्टाचार इनको प्रोत्साहित करती है। कांग्रेस के न तो संगठन में दम है और न ही नियत है। आप राजस्थान में देखिए, छत्तीसगढ़ में देखिए, वहां कानून व्यवस्था की, भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है। अब वो डरने लगे कहीं लॉकर न खुल जाए। उनको चिंता है कि मोदी को लॉकर का पता कैसे चल रहा है। लॉकर खुल रहे हैं और नोटों को ढेर निकल रहे हैं, सोना निकल रहा है, सोना। और ये आलू वाला सोना नहीं है, असली सोना, चोरी का माल, भ्रष्टाचार, अपराध। और कांग्रेस का इन दोनों का मेल किसी भी राज्य को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। कांग्रेस जहां भी आती है ऐसी ही बर्बादी लाती है। इसलिए मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश को बहुत सावधान रहना होगा। साथियों, हमारे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो पहली बार वोट करने जाने वाले हैं, 18, 20, 21 साल के, वो नौजवान भविष्य की ओर देखते हैं, लेकिन उन्हें पहले का इतिहास भी पता होना बहुत जरूरी है जी। जरा अपने माता पिता को पूछिए कैसी मुसीबत की जिंदगी काट करके निकले। आज कांग्रेस के लोग जो यहां आपसे झूठे वायदे कर रहे हैं, जब उनके पास काम करने का मौका था तो घोटालों में व्यस्त थे, भाई भतीजावाद में व्यस्त थे, अपने पराये में व्यस्त थे, समाज में भेदभाव कराने में व्यस्त थे। कांग्रेस के शासन में मध्य प्रदेश को हर क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता था। एक समय था जब मध्य प्रदेश में गड्ढों को ही हाईवे माना जाता था। रास्ते में धचके लगना शुरू हो तो आप अपने आप समझ जाते थे कि मध्य प्रदेश का कोई हाईवे आया है। एक समय था जब एमपी में बिजली केवल झटके दिया करती थी, बिजली कभी रोशनी नहीं देती थी। यहां क्या लोग, क्या किसान, क्या उद्योग, अंधकार में जीना सबकी नियत बन गई थी, बन गई। एक समय था जब मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए हर खेत, हर किसान तरसता रहता था। सबकी किस्मत में केवल बरसात पर, बारिश अगर अच्छी हो गई तो गुजारा कर लेते थे, निर्भर रहना पड़ता था। तब एमपी के स्कूल भी खस्ता हाल थे और पढ़ाई भी बेपटरी थी, स्वास्थ्य सेवाएं इतनी चरमराई हुई थी कि मरीजों को अच्छे इलाज के लिए दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता था। और इसलिए जो पहली बार वोट देने वाले हैं, मेरे नौजवानों, इन सारी बातों को वेरीफाई कर लेना, वो बर्बादी फिर से मध्य प्रदेश में नहीं आने देनी है। मेरे नौजवानों, भाजपा ने बहुत मेहनत करके मध्य प्रदेश को संभाला, उसे विकास के रास्ते पर लेकर आई। भाजपा मध्य प्रदेश के लोगों के सुख दुख की साथी रही है। चुनाव के समय आपसे झूठे वायदे करने वाली कांग्रेस दरअसल एमपी के लोगों से नफरत करती है। इसलिए जैसे ही कांग्रेस को मौका मिला, कांग्रेस ने गरीब कल्याण की सारी योजनाओं को बंद करना शुरू कर दिया था। आपको याद होगा, बीच में 15 महीना उनको जरा अवसर मिला था, मध्य प्रदेश की जनता
उनका टेस्टिंग कर रही थी कि सुधरे कि नहीं सुधरे। 15 महीने में पता चला ये तो और बिगड़ करके आए। आपको मालूम होगा गरीबों की योजनाएं जो भाजपा सरकार चलाती थी कांग्रेस ने आते ही संबल योजना बंद कर दी, पंच परमेश्वर योजना बंद कर दी, दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना बंद कर दी, प्रतिभा प्रोत्साहन योजना बंद कर दी, कांग्रेस ने यहां मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बंद कर दी। मुझे याद है जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तभी केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी, लेकिन उस समय बार बार कहने के बाद भी कांग्रेस सरकार ने लाभार्थी किसानों की पूरी लिस्ट केंद्र सरकार को नहीं दी। कांग्रेस सरकार को एक रुपये भी अपने जेब से नहीं खर्च करना था। पीएम किसान निधि का जो पैसा किसानों के बैंक खातों में जाना था वो 100% केंद्र सरकार भेज रही थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने तब यहां के किसानों से भी बहुत बड़ी दुश्मनी निकाली। यही कांग्रेस का असली चेहरा है। कांग्रेस किसानों की दुश्मन है, कांग्रेस नौजवानों की दुश्मन है, कांग्रेस महिलाओं की दुश्मन है। मेरे परिजनों, कांग्रेस के पंजे से आप सभी को बचाकर रखना भाजपा अपना दायित्व समझती है। इसलिए भाजपा सरकार की लगातार कोशिश है कि आप सशक्त हो, सामर्थ्यवान हो। हम जुटे हुए हैं कि गरीब और मध्यम वर्ग की कमाई कैसे बढ़े, उनकी अधिक से अधिक बचत कैसे हो। साथियों, आज भाजपा सरकार 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मुफ्त राशन दे रही है। आपको याद होगा कोरोना का समय कितना कठिन था, पूरी दुनिया पर मौत मंडरा रही थी, परिवार भी हर बार सोचता था कहीं मौत का बुलावा हमारे घर तक न पहुंच जाए, घर में किसी को कोरोना ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। माँ भी अगर बीमार है तो बेटा जाकर के सेवा नहीं कर पाता था। जवान जो बेटा बीमार हो माँ दुखी होती थी, लेकिन बेटे की सेवा करने के लिए उसके कमरे में जा नहीं पाती थी। इतना भयंकर समय था, पूरी दुनिया की मानव जात संकट में थी, कारोबार पर मुसीबतें थी, बाहर निकलना तकलीफ था। तब ये आपका बेटा आपकी मुसीबतों को समझता था और तब मैंने तय किया कि मैं देश के किसी परिवार का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा, किसी माँ का लाल भूखा सोएगा नहीं, कोई बेटी को रात भर रोना न पड़े, कोई माँ आंसू न बहाए। और इसलिए 80 करोड़ लोगों को अब तक मुफ्त राशन दिया जा रहा है। हम किसी को भी जरूरतमंद को अगर रोटी खिलाएं तो हमें पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है, जरा जवाब दीजिए। पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? पुण्य मिलता है ना पुण्य। और हर कोई कहता है भाई मैंने आज रोटी खिलाई, संतोष हुआ मन को। मुझे भी जब 80 करोड़ देशवासियों की थाली में खाना परोसते हैं ना तो बहुत सुकून मिलता है, संतोष मिलता है। क्योंकि भूख क्या होती है ये मुझे भी पता है, और जब किसी गरीब को खाना मिलता है ना वो भरपूर आशीर्वाद देता है, पुण्य मिलता है। मुझे बताइए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया, पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जोर से बोलिए, पुण्य किसको मिलेगा?
ये मोदी को नहीं मिलेगा, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट डाल करके मोदी को बिठाया, इसलिए गरीब की थाली भर गई। ये पुण्य के हकदार आप हैं और इसीलिए आपकी इच्छा के अनुसार मैंने दिसंबर में जो योजना पूरी होने वाली है ना, उसे 5 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ये मन का संकल्प कर लिया है मैंने कि आने वाले दिनों में 5 साल के लिए फिर इस योजना को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे परिजनों, आयुष्मान भारत के तहत एमपी के 30 लाख से ज्यादा मरीज अस्पताल में मुफ्त इलाज करा चुके हैं। आज जन औषधि केंद्रों पर बाजार से 80-90% तक सस्ती दवाएं दी जा रही है। आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्रों के मरीजों को करीब करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत होती है। साथियों, आज डबल इंजन सरकार हर परिवार को सस्ते सिलेंडर भी दे रही है। एमपी की बहनों को लाडली बहनों योजना के तहत हर महीने सीधी मदद दी रही है। एमपी की 40 लाख से अधिक बहनों को पीएम मातृ वंदना योजना के तहत 1600 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। मेरे परिवारजनों, बचत के साथ साथ भाजपा सरकार हर परिवार के वर्तमान की भी और भविष्य के लिए स्थायी संपत्ति भी बना रहा है। एमपी के गरीबों को लगभग 45 लाख पक्के घर बन चुके हैं। एक एक घर लाखों रुपए का है। इसमें बिजली है, पानी है, गैस है, ये सारी सुविधाएं साफ आती है, मुफ्त आती है। अगर ये सुविधाएं अलग से लेनी पड़ी तो इसमें भी गरीब परिवार के हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, लेकिन इसकी भी चिंता भाजपा सरकार ने की है। मिडिल क्लास परिवारों का भी अपना घर हो, इसके लिए भी केंद्र सरकार मदद दे रही है। इसका भी लाभ लाखों परिवारों ने उठाया है। साथियों, भारत को विकसित बनाने में जुटी भाजपा मध्य प्रदेश के विकास के लिए भी तेजी से काम कर रही है। आज बहुत बड़ा जोर कनेक्टिविटी पर दिया जा रहा है। अच्छी कनेक्टिविटी का महत्व शाहजहांपुर से बेहतर कौन जानता है। शाहजहांपुर के भैरव डुंगरी में 100 एकड़ क्षेत्र में नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित हो रहा है। आने वाले समय में शाहजहांपुर देश के एक महत्वपूर्ण फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में विकसित होगा। इससे यहाँ सोयाबीन हो, आलू हो, मिर्च हो, मक्का हो, प्याज हो, संतरा, ये जो उगाने वाले मेरे किसान है, उन सब किसानों को लाभ होने वाला। मेरे परिवारजनों, शाहजहांपुर तो हमारी सांस्कृतिक विरासत से भी समृद्ध है। ये भूमि महाभारत काल से लेकर आज तक के इतिहास को समेटे हुए है। भाजपा सरकार भारत के सांस्कृतिक वैभव को फिर से विश्व में स्थापित कर रही है। उसका एक प्रमाण उज्जैन में महाकाल महालोक का निर्माण है। एमपी भाजपा ने अनेक सांस्कृतिक लोकों के निर्माण का भी संकल्प लिया है। कांग्रेस तो जो भी करती है वो एक ही परिवार के नाम पर करती है, जबकि भाजपा हमारे हर संत, इस धरती के हर महान संतान, उनको सम्मान देती है। सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर भाजपा बना रही है। जबलपुर में रानी दुर्गावती का भव्य स्मारक भाजपा बना रही है। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू यहाँ से अधिक दूर नहीं है। देश और दुनिया में जहां जहां बाबा साहब रहे, उनको भाजपा ने पंच तीर्थ के रूप में विकसित किया है। मेरे परिवारजनों, हमने परसों ही धूमधाम से दिवाली मनाई है। अगली दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे, जब एमपी में पूरी शान से फिर कमल खिलेगा। और इसलिए ऐसा तो नहीं होगा ना, इतनी बड़ी जबरदस्त जनसभा हो गई,
ऐतिहासिक सभा हो गई, मोदी का भाषण भी बहुत अच्छा हो गया, चलो बहुत हो गया, सो जाए, बहुत हो गया, अब तो क्या है, जीतने ही वाले हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना, सो नहीं जाओगे ना, घर घर जाओगे, मेरी ये बात बताओगे, कमल खिलाओगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, अधिकतम मतदान की गारंटी देते हो आप, इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के जीरन जीत की गारंटी जनता जनार्दन खुद दे रही है। अब मुझे पता है कि शाजापुर वालों के लिए दाल बाटी, तोला रात की कचौरी और दूध जलेबी आपके लिए इसका कितना महत्व है, मैं यहां आता था मुझे मालूम है, बाकी सब काम बाद में, पहले तो तोला राम। लेकिन 17 नवंबर को पहले मतदान फिर जलपान, पक्का मंजूर, ये हो जाएगा ना। अच्छा ये तो बात हो गई चुनाव की, अब मैं मेरी एक निजी बात बताना चाहता हूं, बताऊं, निजी बात है, चुनाव की नहीं है, बताऊं, मेरा एक काम करना है, करोगे, ये चुनाव वाला नहीं है, करोगे, अब उतनी ताकत से बताओ ना, ढीले का पड़ जाए हो यार, ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे ना, ये चुनाव का काम नहीं है, करोगे, तो जरूर करना, जब आप घर घर मिलने के लिए जाएंगे तो सबको कहना कि अपने मोदी जी शाजापुर आए थे, अपने मोदी जी शाजापुर आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है, इतना मेरा कर काम कर देंगे, इतना मेरा काम कर देंगे, पक्का करेंगे। देखिए जब आप उनको मेरे प्रणाम कहोगे ना तो वो मुझे आशीर्वाद देंगे, भरपूर आशीर्वाद देंगे, और जब हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलता है तो मेरी ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है, मेरी दौड़ने की ताकत बहुत बढ़ जाती है और मुझे देश के लिए दौड़ने का और उत्साह बढ़ जाता है, और इसलिए मुझे हर परिवार के आशीर्वाद की जरूरत रहती है। तो मेरे प्रणाम पहुंचाओगे, हर घर जाके पहुंचाओगे, भूल तो नहीं जाओगे ना। देखिए मुझे हमेशा की तरह मालवा निवाड़ ने अभूतपूर्व स्नेह दिया है, बहुत प्यार दिया है, आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया है, मैं आपका जितना आभार व्यक्त करूं उतना बहुत कम है। इस बार तो तोलाराम की मिठाई का चखने का समय नहीं है, वरना पक्का खा के जाता आज। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है, और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी, लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में मध्य प्रदेश में आते, साथियों
कांग्रेस को सिर्फ परिवार की, अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है, और इसलिए एमपी में भाजपा ने हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की सुविधा दी। लेकिन कांग्रेस इसका भी विरोध कर रही है। कांग्रेस के एक महाज्ञानी इन दिनों भोपाल में, मध्य प्रदेश में आते। साथियों, कांग्रेस को सिर्फ परिवार की, अपने बच्चों की चिंता रहती है। ये भाजपा है जो आपके बच्चों की चिंता करती है।